हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल मी एंड किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ काजू पनीर मसाला की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो काजू पनीर मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ गैस पर एक कढ़ाई रखी है और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पे रखा है और इसमें हमने बड़े चम्मच से एक चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं आधी चम्मच जीरा और इलायची, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। अब हमने इसमें डाल दिया है दो कटे हुए प्याज और प्याज को हमें हल्का सा भून लेना है। तो प्याज हल्के से भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं 7 से 8 खड़ी लाल मिर्च और इसमें हमने आधी कटोरी काजू की टुकड़ी डाल दी है, ये करीब 100 ग्राम होंगी। इन्हें भी हमें हल्का सा भून लेना है। तो ये हल्के से भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 कटे हुए टमाटर और इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और हल्दी और इन्हें हमें टमाटर गल नहीं जाते जब तक पकाना है। तो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। ये जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इसकी प्यूरी बना लेनी है। तो हमने इसकी प्यूरी बना ली है और इसकी प्यूरी हमने एकदम स्मूथ बनाई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमने इसे पीसते वक्त थोड़ा पानी भी डाला है। और अब हमने वापस से गैस की कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिया है तेल। आप चाहे तो तेल की जगह बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पर ही रखना है। तो तेल गर्म हो चुका है, अब हमने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला। अब इन मसालों को हमें हल्का सा भून लेना है। तो मसाले हल्के से भून चुके हैं, अब जो हमने प्यूरी बनाई थी वो इसमें हम डाल देते हैं। और इसमें हल्की सी मिठास के लिए हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच शक्कर। आप चाहे तो डाले, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए डाल रहे हैं घर की मलाई। आप चाहे तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, अभी हमारे पास क्रीम नहीं है तो हमने इसमें मलाई डाल दी है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम ऑलरेडी इसे पका चुके हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें डाल रहे हैं पनीर। ये पनीर करीबन 250 ग्राम है। आप चाहे तो पनीर फ्राई करके भी डाल सकते हैं। बस अब हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे सर्व कर देते हैं। तो काजू पनीर मसाला बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।